और आपका आज की वीडियो में। सो आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है मुझे मेरी अवनी लौटा दो भूल भुलैया मूवी क्लिप अक्षय कुमार विद्या बालन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के सब्सक्राइब लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार। हमें श्री यज्ञ प्रकाश भारती जी ने यहाँ भेजा है। वो लंदन से वापस आ गए? जी हाँ, आपका संदेश उन्हें मिला। आपकी भेजी हुई कुंडलियों का अभ्यास भी उन्होंने शुरू किया है। आचार्य श्री दुर्गाष्टमी के एक दिन पहले यहाँ पधारेंगे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त दुर्गाष्टमी का निकला है। ये सूची है विधि में लगने वाले सामग्री की, गौर से पढ़िए। ये सारी चीज़ें जिस मात्रा में जिस स्वरूप में लिखी है आपको तैयार रखनी है। मतलब कुछ खतरा है? इस घर के सभी सदस्यों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है। नौकरों को भी आगाह कर दिया जाए और घर में यदि कोई बीमार है तो उसका खास ध्यान रखा जाए। अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर पधारिए। जी नहीं, हम चलते हैं। कम से कम चाय पानी तो पीकर जाइए। इस घर का पानी तक पीने के लिए हमें मना किया है। नमस्कार। सुना तुम लोगों ने उन्होंने क्या कहा? ये पूजा होने तक राधा का ख्याल रखना पड़ेगा। वो तो भूतनी के शिकंजे में कैद है बद्री भाई, उसका कोई कैसे ध्यान रख सकता है? आसान है, उसे बोरी में बंद करके रख दो। अरे बंद तो तुमको करके रखना चाहिए, अनारकली की तरह चुनवा देना चाहिए दीवार में। तुम अमेरिका से अपनी मर्जी से आए हो कि वहां की गवर्नमेंट ने तड़ी पार किया तुम्हें लोक हित में? अमेरिका से भूत आया है भूत पकड़ने। सारे गायब हो गए। भैया भैया बद्री भैया। चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी सिद्धार्थ के लिए भी बना दो ना प्लीज। प्लीज ओके। और थोड़ा सा बेसन दे दो, आज मैं बेसन से नहा के देखती हूँ। अभी लाती हूँ। ये लो, कल से लिखकर अर्जी देनी पड़ेगी तो ही चाय मिलेगी, समझी? मैं भागू, सिद्धार्थ साइड पे जा रहा है और एज यूजुअल गाड़ी की चाबी भूल गया है। नंदिनी आई दीदी। चाय डाल दी है? नहीं चाय। सिद्धार्थ भैया को देखिए ना। ओके दूध का तो नाम ही नहीं लग रहा। अरे टी, टी, टी। दीदी ने सिद्धार्थ भैया को देने को कहा है। ओके चंदू एक काम कर, सब धारी वाली चीजें उठा ले, चाकू छुरी कैची और जो कुछ भी है। ये देख ये चाकू उठा, सब ले ले। चलो, और ये दो चाकू दो। नाइस। ला 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 चले छोड़ा। रे 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 ये सब क्यों लेके जा रहे हो? लोखंड वाला में शूट आउट करने जा रहे हैं। ये ले ये भी रख और ले। मैं सब्जी कैसे काटूंगी? तुम्हारे दांत से। एक काम कर, इसके दांत और जुबान भी डाल दे इसमें। चल ले चल। मुझे को पता चला फिर देखा। ये उसने डाले ना? मुद्दा बालन में डाले ना? अब लग रही थी नहीं, मुझे नहीं पहले भी बहुत पानी वाली लग रही है। हाँ नहीं पानी। हाँ क्या कर रहे हैं आदित्य? रैट किल चाय में तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता? बोतल दिख रही है खाली हो गई है। चाय का बर्तन देख के आऊं? आजू बाजू सब जहर के छींटे पड़े हुए हैं। क्या बकवास कर? बकवास तो एक काम करो, बची चाय वो पी लो, मरने के बाद पता चल जाएगा तुम्हें। कौन मिलाएगा जहर? अरे जिसने तुम्हारी चाय बनाई है। नंदिनी को पूछो किसने बनाई चाय। क्या हो रहा है ये सब? राधा दीदी ने मुझे इन्हें चाय देने को कहा लेकिन चाय में जहर है। राधा को कमरे में बंद करो। किस लिए? क्योंकि आपकी बेटी पागल है। अगर इसे कमरे में बंद नहीं किया तो इस घर में मौत तांडव करेगी। मेरी बात याद रखना आप लोग। तुम्हारी औकात क्या है जो हमारी बेटी पे किचन उछाल रहा हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी। क्या जज्बातों को काबू में रखे जाता थी? ये डॉक्टर है, हम सबसे ज्यादा अकल है इस बात पे। और अगर ये पागल नहीं है तो इसने चाय में जहर क्यों मिलाया? कुछ है जवाब आपके पास इस बात का? तुम्हारे सवाल जवाबों को आग लगा दो।
हम हमारी बेटी को बंद करके नहीं रखेंगे। बद्री भाई देखिए, मैं जानता हूँ आप पे क्या बीत रही है, लेकिन सबकी भला इसी में है, और फिर जानबूझकर जहर की परीक्षा करना तो बेवकूफी होगी। क्या कह रहे हैं आप फूफा जी? मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। इस बात का फैसला तुम्हें नहीं मुझे करना है। चलो काबू रखिए। देखिए बाकी के परिवार की सुरक्षा का क्या होगा? आज चाय में जहर है और कल भगवान न करे कुछ हो गया तो। चलो सर। मेरी इजाजत के बगैर ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। भयंकर है ये, तुम जो कुछ भी कर रहे हो महाभयंकर है। ये मैं हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो सब लोग? आखिर मैंने क्या किया है? इस तरह मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालो, जिंदा जला दो, जहर खिला दो। सबके सब बुत बनकर खड़े हैं, सांस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। राधा, राधा ऐसा मत करो राधा। पागल मत करो राधा। आदित्य, आदित्य दरवाजा खोलो, आदित्य दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अवनी नंदिनी के साथ गहने खरीदने के लिए तैयार हो रही है, तो जाओ उसके कमरे में और मना कर दो जाने के लिए। लेकिन मैंने आज तक अवनी को किसी चीज से रोका नहीं। लेकिन अभी तुझे ये करना पड़ेगा, आज रोक, वो झगड़ा करेगी, माथा फोड़ेगी, उसे जाने मत देना। हो सकता है कि उसके चेहरे पे बदलाव आए, तू घबराना मत, तुम्हारे सारे प्यार और लगाव के साथ उसे पुकारना, वापस बुलाना। मैं कमरे के इर्द गिर्द ही रहूंगा, जा मना कर दे उसे, जा। अपनी कहाँ जा रही हो? बताया था ना मैंने तुम्हें, नंदिनी के लिए गहने खरीदने जा रही हूँ। अपनी मत जाओ। क्यों, तुम नहीं चाहते हो कि मैं जाऊं? लेकिन मैंने सुबह भी बताया था ना, फिर अब अचानक क्यों मना कर रहे हो? तब कहा होगा, अब मना कर रहा हूं। क्यों, मैं नंदिनी के साथ गहने खरीदने जाऊं इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें बताया था ना। हां लेकिन अब तुम नहीं जाओगे। क्यों, क्यों नहीं जा सकती मैं? क्योंकि मैंने ना कहा इसीलिए। चेते दे बिना दुनिया माँ के चेते दे बिना तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है? आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे कुछ क्या किया मैंने सिद्धार्थ? कुछ नहीं, मैंने अभी अभी कुछ किया ना, कुछ कहा ना, कुछ गलत कहा ना, कुछ अजीब किया ना सिद्धार्थ। मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ गलत है ना सिद्धार्थ? हाँ सिद्धार्थ, मुझसे नफरत मत करो प्लीज। वो
सो ऑलमोस्ट मूवी का एंड होने वाला है क्योंकि अब थोड़ा आइडिया भी हो गया है कि भाई एक्चुअली में कौन ये सब चीजें कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो है ना बेचारी राधा जो है वो इस सारे मामले में यानी इस पूरे चक्करव्यूह में जो है ना वो कहीं ना फंस जाती है बेचारी। लेकिन वो ना काफी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है कि वो समझती भी है सिचुएशन को, क्योंकि वो समझाने पे उन्हें अगर समझा दो हाँ, वरना वो भी इमोशनल कहीं ना कहीं बनाई हुई है। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा आपको जबरदस्ती पागल पागल कहेगा तो वो पागल थोड़ी होता है, तो उसको गुस्सा ही आएगा। और फिर ये कहा जाता है कि भाई हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तो फिर बंदा कैसे समझाए कि तुम पागल हो मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन वो जो चाय वाला सीन था वहां पर मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कुछ तो गलत वो कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मतलब उस टाइम पर दिखाया भी नहीं गया था ना। हाँ वो जो है लेकिन जिस तरह भागते हैं वो पीछे जो है बचाने के लिए, ठीक है ना, उसके बाद जो एक सीन क्रिएट होता है ना कि भाई जैसे वो चाय के पूछने लगते हैं पीछे से एकदम विद्या बालन जो है वो आ जाती है और वहां पर जिस तरह अक्षय कुमार सर के एकदम इशारा चेंज हो जाता है हाथ का। लेकिन पता है वो एक्सप्रेशन भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं विद्या बालन के कि किस तरीके कैसे रिएक्ट करती हैं, ये क्या फील कर रही हैं, वो सब चीजें। लेकिन खैर एंड तक जाते जाते मुझे भी अब ये क्लियर होगा भाई कि एक्चुअली में मौजूरिका है, उसने विद्या बालन को अपने वश में कर दिया भैया, विद्या बालन जो है वो अपने आप को वही समझना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे मूवी जो है वो भूल गई हुई है इस वजह से। मुझे लगता है कि शायद विद्या बालन जो है ना वो अपने आप को वही समझना जो है ना वो शुरू हो जाती है, मौजलिका जो है वो समझना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो इश्यूज जो है वो रहते हैं उन्हें। लेकिन भाई जो बेड वाले उठाने वाले सीन था ना वो यार वैसे मैं सोच रही कि अगर मान लो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है तो क्या इंसान के अंदर वो इतना मतलब इतनी ताकत आ जाती है कि वो मतलब बेड भी उठा लेता है उस अपने उस करेक्टर में घुसकर। भाई देखें जिन्हें जो साइकी के इश्यूज होते हैं ना उनमें ताकत भी ज्यादा होती है। नहीं वैसे तो वो नॉर्मल दिखाई है ना, लेकिन वो एकदम उनमें वो चेंज दिखा देते हैं ना।